अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी तीन अपडेट निकलकर सामने आ रहा चंद्रयान 3 गगनयान और अंतरिक्ष को लेकर, जिसके बारे आधे से भी ज्यादा दुनिया भूल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, पहला दमदार अपडेट ये है दोस्तों, देरी का कभी कभी नुकसान नहीं फायदा भी होता है। मैं आपको जिस देरी की बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में आप सुनकर गर्व महसूस करेंगे दोस्तों। देरी की ये कहानी पिछले साल लॉन्च हुए मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई थी दोस्तों। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी हुई थी दोस्तों। देरी की वजह यह थी कि अंतरिक्ष में मलबे का एक टुकड़ा मिला था, उस मलबे से टकरा सकता था। चंद्रयान 3 उसी टकराव को रोकने के लिए लॉन्चिंग में जानबूझकर, सोच समझकर देरी की गई थी, जिसकी वजह से बिना बाधा के चांद पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंचा दोस्तों। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी बहुत मदद मिलती। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, कमेंट्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, दूसरा दमदार अपडेट को समझते हैं। इसरो ने एक बार फिर कमाल करके दिखाया है। चंद्रयान, सूर्ययान और गगनयान के बाद इसरो ने स्पेस के क्षेत्र में फिर एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिससे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज रहा है। इस बात की जानकारी खुद प्रमुख सोमनाथ ने दी है। उन्होंने 42वीं IADC मीटिंग के दौरान इसरो के इस नए कारनामे के बारे में बताया, जिसके बाद इसरो की हर जगह काफी प्रशंसा हो रही। दरअसल इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्का नोजल तैयार किया। इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए हल्के कार्बन यानी CC नोजल के विकास के साथ रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे पेलोड की क्षमता बढ़ी है। इसरो सफलता के बारे में आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहले बता दें, यह हल्का नोजल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में तैयार किया गया है। इस नोजल से लॉन्च वाहनों के पेलोड की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। पेलोड एक तकनीकी शब्द जिसका मतलब होता है विस्फोटक शक्ति। किसी भी मिसाइल, विमान, रॉकेट या टोरपीडो में विस्फोटक को ले जाने की क्षमता को पेलोड कहते हैं। किसी विमान या मिसाइल का पेलोड कितना है यह उस विमान या मिसाइल की विशेषता को बताता है। अब पेलोड के क्षमता बढ़ने से विमानों का लगभग 67% भार कम किया जा सकता है। ऐसे में स्पेस तकनीक में इसरो की तरफ से यह काफी बड़ा और सराहनीय कदम है। आप जानते हैं इस नोजल को तैयार कैसे किया गया है, तो बता दें कि कार्बोनाइजिंग ग्रीन कंपोजिट, केमिकल वेयर इनफिट और हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट जैसी ट्रीटमेंट का यूज करके इसरो ने मजबूत और टिकाऊ गुणों वाला एक हल्का नोजल बनाया है, जो उच्च तापमान में भी अपनी ताकत बनाए रखने में सक्षम है। इस नोजल की स्पेशल फीचर की बात करें तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड से बनी कोटिंग होती है, जो इसे ऑक्सीकरण वाले वातावरण में बेहतर काम करने में मदद करती है। कोटिंग इसे गर्मी और जंग के खिलाफ मजबूत बनाता है, जिससे यह कठिन परिस्थितियों को भी संभालने में सक्षम हो जाता है। बता दें, ये नोजल PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए काफी जरूरी है। PSLV इसरो का मेन रॉकेट है, जिसमें अभी कोलंबियम एलॉय नाम के मेटल का बना हुआ नोजल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर इसरो इस CC नोजल पर स्विच हो जाता है तो इस रॉकेट को लगभग 67% पर हल्का बनाया जा सकता है। इस बदलाव से PSLV 15 किलोग्राम ज्यादा पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है, जो मिशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। CC नोजल का परीक्षण इसरो के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने 19 मार्च 2024 को तमिलनाडु में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में हाई एटीट्यूड टेस्ट सुविधा में 60 सेकंड का परीक्षण किया। इस परीक्षण से पता चला कि CC नोजल को लगाने के बाद रॉकेट का सिस्टम अच्छा काम करता है और हार्डवेयर भी मजबूत रहता है। उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को भी 200 सेकंड का एक हॉट टेस्ट किया गया, जिसमें CC नोजल की क्षमता को अच्छे से परखा गया। खुशी की बात यह है कि इस टेस्ट में भी CC नोजल पास हो गया। दोस्तों बता दें कि 42वीं IADC मीटिंग के दौरान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने ऐलान किया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक सभी भारतीय अभिनेताओं, सरकारी और गैर सरकारी लोगों की मदद से अंतरिक्ष मिशन को मलबा मुक्त बनाने का है। मलबा पैदा ना हो इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत तंत्र और ढांचा दोनों तैयार कर रहा है। हम अंतरिक्ष प्रणालियों के भीतर तंत्र और संरचनाएं बना रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में मलबा पैदा ना हो सके। पिछले कई सालों से बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, हमें आने वाले दिनों में भी इन सभी गतिविधियों को और मजबूत करने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि इसरो की तरफ से यह एक बड़ा कदम उठाया गया है। दोस्तों तीसरा अपडेट इस प्रकार है, वीडियो को पूरा देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की मानव रेटिंग में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। इस मिशन के तहत 3 बार स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पहली 2 फ्लाइट्स मानव रहित होंगी, यानी उनमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं जाएगा। तीसरी फ्लाइट में अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। यह 6,350 सेकंड की न्यूनतम मानव रेटिंग योग्यता मानक आवश्यकता से अधिक है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि दोस्तों, इसरो की योजना पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में 3 दिनों तक 400 किलोमीटर पर मनुष्य को रखना है। गगनयान मिशन को लेकर इसरो को मिली एक और बड़ी कामयाबी प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार 27 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की और मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं, लेकिन असलियत उड़ा दिया चीन के होश दोस्तों। अब आखिर इसरो ने स्पेस की दुनिया में रचा इतिहास मिलेगा। गगनयान मिशन में उड़ान भरेंगे ये 4 अंतरिक्ष यात्री। पीएम मोदी ने किया ऐलान, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 5-6 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया था और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार लगा डाला, वह भी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ। अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फार फार कर देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी बाप बाप करने लगा। और मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट सफल रहा और गगनयान मिशन को लेकर सबसे बड़ी टेंशन हो गई। दूर 8,810 सेकंड्स में इसरो ने 4 इंजनों पर कर डाला। धमाका सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला दुनिया का 4th देश बन जाएगा। दोस्तों, भारत का इसरो गगनयान मिशन को लेकर हर दिन नई सक्सेस हासिल कर रहा है, क्योंकि मिशन ही तय करेगा कि भारत स्पेस का शहंशाह बन सकता है या नहीं। स्पेस टूरिज्म, जिसे भारत अरबों डॉलर कमाने का प्लान कर रहा है, और यह क्योंकि इसकी पहली सीरी है, इसीलिए स्पेस टूरिज्म में भारत कितना सफल हो पाएगा या नहीं, ये सब कुछ इसरो का गगनयान मिशन तय करेगा। यानी आप यह मानकर चलिए कि भारत के इसरो ने अब तक चंद्रयान मिशन, मंगलयान या फिर बाकी जितने भी मिशन किए हैं, गगनयान मिशन उन सारे मिशन में सबसे अहम है, क्योंकि मिशन में भारत का भविष्य छिपा है। यही कारण है कि दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियों करीब से इस मिशन को करीब से देख रही है। इसरो भी मिशन को लेकर बिना किसी आंशिक असफलता के लगातार अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में इसरो ने आज एक और दमदार उपलब्धि हासिल की है, और आज इसरो ने जो हासिल किया है, यकीन मानिए, इस पूरे मिशन की असल फील्ड में यही है। यानी इस मिशन को स्पेस में लेकर जाने वाला इंजन अगर यह फिट बैठ गया तो समझो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आज इसको लेकर इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मात्र 8,810 सेकंड में इसरो ने वो काम कर डाला जो अब तक मुश्किल लग रहा था। दोस्तों, बस इतना सा उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।